लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आजम खान का सामना रामपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जयप्रदा से होना है। लोकसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर आजम खान पर प्रशासन ने उनके शस्त्र निलंबन का नोटिस भेजकर उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिस पर आजम खान ने प्रशासन पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो वहीं जिला अधिकारी से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की एक प्रक्रिया बताया। इस संबंध में जिला अधिकारी आजने कुमार ने बताया, इस मामले में 12 शस्त्र शामिल हैं, जिसमें चुनाव के दौरान शस्त्र के दुरुपयोग का मामला है, जिसमें चार्जशीट भी है। कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट आई थी, जिस पर उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है। यह कोई कार्रवाई नहीं है, अभी उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है, जिसमें उन्हें शस्त्र निलंबन को लेकर सूचना दी गई है। एक जंग है जो बहुत मजबूरी की हम पर थोपी गई है। इस जंग से हम भागी करें, मुकाबला करेंगे हालात का। हमारी सुरक्षा कितनी की जाती है आप जानते हैं। आज भी हमें किसी ने बताया है कि कलेक्टर साहब ने हमारे सारे घर के लाइसेंस खारिज कर दिए। कोई बात नहीं, मेरे तो कान से गोलियां गुजरी। मैं जमीन और आसमान की सबसे ऊंची हद पर था जब हेलीकॉप्टर के ऊपर का टुकड़ा टूट के निकल गया। टूटे हुए पर से मैं जिंदा जमीन तक वापस आ गया। मेरा ये ईमान है कि सिवाय अल्लाह के मुझे कोई नहीं मार सकता। देखिए, इसमें 12 शस्त्र शामिल हैं। हम तो शस्त्र के हिसाब से, शस्त्रों का अगर दुरुपयोग होता है किसी मामले में तो उसमें शस्त्र का दुरुपयोग का मामला है चुनाव के दौरान, और उसमें चार्जशीट भी है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इन सारे शस्त्रों की रिपोर्ट पुलिस से आई थी, उस पर हमने उनको नोटिस निर्गत किया है। ये अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई, अभी उनको नोटिस निर्गत किया गया कि क्यों ना हम शस्त्र निरस्त कर दें, उसके बाद उनकी सुनवाई करने के पश्चात भी कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इसको कार्रवाई के तरीके से नहीं, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया के तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, इस तरीके से इसको देखा जाना उचित। सर, कितने लाइसेंस हैं टोटल इनके? इसमें तीन लोगों के तीन तीन लाइसेंस हैं, आजम खान, यूसुफ अली और तनवीर अहमद, और बाकी तीन व्यक्ति हैं जिनके एक एक लाइसेंस है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट, मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त, मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।